विगत 12 दिनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र बंद करके अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। बता दें, आज गरियाबंद जिला मुख्यालय के गांधी मैदान में जिले के 5 ब्लॉक के सैकड़ों आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका मिलकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चुनाव के समय किए गए अपने वादों को पूरा नहीं करने को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को याद दिलाने के लिए हवन कर रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि आज 4 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार सो रही है, उसी को उठाने के लिए ये हवन किया जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाग जाएं और अपने वादों को पूरा करें। भूमि पूजन भी यहाँ हुआ। सबसे पहले तो सभी भानु प्रताप उन्होंने कांग्रेस पर विश्वास करते हुए सावित्री भूमि प्रताप जी को आगे बढ़ाने दिखाया और आप सबको भी धन्यवाद। काका तोला बधाई। सबसे पहले तो काका से बबो बनेंगे और एडीएम एसपी की विभागीय सेटअप अंतर्गत करवा देना, एक घोषणा में हो जाएगी का क्या बोलते बजट में करवा दूँ ना। सर एक सवाल ये था, 1300 कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय स्तर का बहुत बड़ा आयोजन है श्रीनगर, वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स था और क्या उससे कांग्रेस को नई की? देखिए, उसका जवाब राहुल जी दे चुके हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और जिस प्रकार से लगातार ले ले जल्दी ले ले क्लेश जिस प्रकार से वहाँ कश्मीरी पंडितों के लगातार लेना अन्याय हो रही है और धमकी भी ले है, इससे उसको फोन खो रहा है सर। और राहुल जी ने चुनौती दी है कि अमित शाह जी जम्मू से लेकर कश्मीर तक पदयात्रा करके देखेंगे, क्या स्थिति समझ आ जाएगा सर? लेकिन वो साहस है कांग्रेस का और हमारे पार्टी के नेता का, राहुल जी पदयात्रा भी की और हम लोग सब भी जाएंगे सर। पदयात्रा का लाभ 2024 से मिलेगा कांग्रेस को? देखिए, राहुल जी ने इस पर कहा न मैं अपने लिए किया हूँ न कांग्रेस पार्टी के लिए, देश के लिए। देश में युवाओं के लिए जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, यहाँ के लोग जो महंगाई से जूझ रहे हैं और जो साम्प्रदायिकता के कारण से समाज में जो खाई पैदा की जा रही है उसे जोड़ने के लिए पदयात्रा किया गया देश में। सर, छत्तीसगढ़ में लगातार जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं, इसको क्या कहेंगे? हमने लगातार घोषणाएं पूरी की है ना, कुछ घोषणाएं बाकी है उसको भी देखेंगे। यहाँ पे कितनी अच्छी बात है, नहीं तो बस्तर में कोई राइस मिल नहीं था, आज 300 से 400 राइस मिल खुले। यहीं 2016-17 में 16 लाख क्विंटल धान खरीदी होता था, आज इस साल 40 लाख, मतलब 2.5 गुना ज़्यादा धान खरीदी हो रहा है। कोदो कुटकी खरीदी अभी शुरू होना है, वो भी शुरू हो गया, फरवरी तक चलेगा। तो इस प्रकार से चाहे कोदो कुटकी हो चाहे वो धान हो।